हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए आईपीएल 2024 के दोस्तों जो है 35th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो 35th मुकाबला ये खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, दिल्ली के स्टेडियम में। पहला मैच है इस साल आईपीएल का गाइस, ठीक है। 7:30 बजे ये मुकाबला होगा और 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा गाइस, ठीक है, 20 अप्रैल की शाम को 7:30 बजे। तो मैच पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच मिनट चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है गाइस डॉली बैटिंग टिप्स चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन चैनल में डाला करूँ, ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना। जो लोग भी गए सॉल्यूशन चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि गाय दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन में प्रडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में प्रडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए, अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होते तो प्लीज़ सॉल्यूशन चैनल से भी लेफ्ट हो जाना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सभी लोग को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ चैनल से, ठीक है गाइस। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होंगे चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना है। तो गाइस दोनों टीमों के प्लेयरों पर ना डालूँ तो सनराइजर हैदराबाद के पास जो प्लेयर हैं, अब्दुल समद, एडन मकरम, राहुल त्रिपाठी, ग्लैन फिलिप्स, हेनरी क्लासन, मयंक अग्रवाल, ठीक है गाइस, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर हैं और ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर हैं। वहीं अगर मैं दिल्ली की टीम पर नजर डालूँ तो उनके पास ऋषभ पंत, जैक फ्रेजर, मेगर, ये लड़का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जैक फ्रेजर, मेगर, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टार्क, मुकेश कुमार, खलील अहमद, ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ, पल्ला तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सनराइजर हैदराबाद का पल्ला भारी लग रहा है, ठीक है गाइस। 5 में से 3 मैच जीती है दिल्ली कैपिटल्स, 5 में से 4 मैच जीती है सनराइजर हैदराबाद। इन दोनों टीमों के बीच जो 10 मुकाबले हुए हैं, 7 बार जीती है दिल्ली कैपिटल, 3 बार जीती है सनराइजर हैदराबाद। पर मैं बताऊंगा कि पिछले साल वाली सनराइजर हैदराबाद अलग है और ये वाली सनराइजर हैदराबाद अलग है। ये वाली सनराइजर हैदराबाद बहुत मजबूत है गाइस, ठीक है। पिछला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद जीती थी 9 रन से, उससे पिछला दिल्ली जीती थी 7 रन से, उससे पिछला दिल्ली, ठीक है गाइस। इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों पर डालू, 10 में से 4 मैच जीत के आ रही है आपका दिल्ली कैपिटल्स, 10 में से 4 मैच जीत के आ रही है आपका सनराइजर हैदराबाद। 166 रन एवरेज स्कोर है आपका दिल्ली कैपिटल का, 200 रन है आपका सनराइजर हैदराबाद का, 213 रन हाईएस्ट स्कोर है आपका दिल्ली कैपिटल का, 287 है आपका सनराइजर हैदराबाद का, 92 रन लोएस्ट है दिल्ली कैपिटल का, 154 रन सनराइजर हैदराबाद का लोएस्ट है। इस ग्राउंड पे बात करूँ तो गाइस 10 में से 5 मैच जीतती है गाइस इस ग्राउंड पे दिल्ली कैपिटल, और इस ग्राउंड पे सनराइजर हैदराबाद 10 में से 6 मैच जीतती है भाई। 159 रन एवरेज स्कोर है दिल्ली कैपिटल का, 154 है सनराइजर हैदराबाद का, 188 रन लोएस्ट स्कोर हाईएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल का दिल्ली के ग्राउंड में, 197 रन सनराइजर हैदराबाद का लोएस्ट हाईएस्ट स्कोर है, 121 रन हाईएस्ट है दिल्ली कैपिटल का इस ग्राउंड पे, 44 रन हाईएस्ट है लोएस्ट है सॉरी लोएस्ट है सनराइजर हैदराबाद का इस ग्राउंड पे, ठीक है। इस ग्राउंड पे पिछले कुछ मुकाबले हुए थे दिल्ली कैपिटल वुमेन ने बनाए थे 113, आरसीबी भी वुमेन्स को चेज नहीं कर पाई थी, आरसीबी वुमेन्स ने बनाए थे 135, मुंबई इंडियन वुमेन्स को चेज नहीं कर पाई थी, गुजरात जायंट्स वुमेन्स ने बनाए थे 126, दिल्ली कैपिटल वुमेन वो चेज नहीं कर पाई थी। और भी आंकड़ों पर नजर डालूँ तो और भी आंकड़े कुछ इस प्रकार है, 6 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 49, दूसरी पारी में 58, 10 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 75, दूसरी पारी में 89, 15 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 120, दूसरी पारी में 125, 20 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 172, दूसरी पारी में 160। तो ये तो थी सेशंस की बात है, तो जिसको भी सेशंस खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको उस के फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल ना गाइस डॉली बैटिंग टिप्स चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन चैनल में डाला करूँ, ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गए सॉल्यूशन चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा,
दोनों मेरे ही चैनल के बार ऐसा हुआ सॉल्यूशन हमें प्रोडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बडिंग चैनल प्रोडिक्शन दे दी जाएगी, तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाएं। और अगर आप मेरे कहने पे भी सॉल्यूशन चैनल से डॉली बडिंग चैनल में ज्वाइन नहीं होते तो प्लीज़ सॉल्यूशन चैनल से भी लेफ्ट हो जाना, नहीं तो मुझे मजबूरन आपसे लोगों को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन चैनल से। ठीक है, एक बार के लिए सॉल्यूशन चैनल में ज्वाइन नहीं होगा चलेगा, पर डॉली बडिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी सनराइजर हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद ही मुकाबला जीतेगी। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा आफ्टर द टॉस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।